नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस समय की बड़ी अपडेट आपको एमजीजे से संबंधित दी जाने वाली है। जैसा कि साथियों आपको विदित होगा, एमजीजे में पदस्थापन के लिए लिखित एग्जाम के अंकों के आधार पर सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट हेतु स्कूल चॉइस फिलिंग भरवाई गई। संबंधित जिले में आप जो जाना चाहते थे उस आधार पर, रिक्त पदों के आधार पर सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी हुए। उसके बाद में लेक्चरर हेतु स्कूल चॉइस फिलिंग भरवाई गई और लेक्चरर के स्कूल चॉइस फिलिंग के आधार पर और रहे रिक्त पदों के आधार पर नियुक्ति आदेश उनके जारी हुए। इसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक, जी हाँ, सेकंड ग्रेड अध्यापकों के जो है स्कूल चॉइस फिलिंग भरवाई गई और उसके आधार पर आज उनके प्रतिनियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आपको बड़ी अपडेट उससे संबंधित दी जाने वाली है और जो लिस्ट जारी हुई है उसकी भी अपडेट आपको दी जाएगी। इसके अलावा साथियों, लेवल फर्स्ट के लिए स्कूल चॉइस फिलिंग के ऑप्शन शुरू हो चुके हैं, जैसा कि आपको हमारे अन्य वीडियोज में इसे तो अपडेट दे दी गई थी। और उनके नियुक्ति आदेश या स्कूल जो भरवाई जा रही है स्कूल चॉइस फिलिंग, वह 3 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक की रखी गई है। इसके अलावा लेवल सेकंड के नियुक्ति आदेश के लिए जो स्कूल चॉइस फिलिंग का ऑप्शन कब से शुरू हो सकता है, इस बारे में भी आपको अपडेट दी जाएगी। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप विभागीय आदेश के अलावा रिजल्ट, आंसर कीज, दैनिक समाचार, रोजगार समाचार, यह सभी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस समय की बड़ी अपडेट के साथ यह वीडियो। देख सकते हैं यहाँ पर कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर संभाग अजमेर की ओर से यह अपडेट निकल कर गया है। इस समय की श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा माध्यम महात्मा गांधी प्रकोष्ठ वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 24 सितंबर 2023 एम 27 सितंबर 2023 की पालना में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 के तहत विभागीय कार्मिकों के चयन हेतु नियम 9(ख) में उल्लेखित अनुसार गठित मंडल स्तरीय चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत वरिष्ठ अध्यापक एम समकक्ष तथा अध्यापक लेवल द्वितीय सामाजिक अध्ययन के कार्मिकों को निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चयनित किए जाने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। कार्मिक अपने नवीन पदस्थापित स्थान पर दिनांक 6 अक्टूबर 2023 तक, ध्यान दें 6 अक्टूबर 2023 तक आपको आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें, यानी 6 अक्टूबर तक आपको कार्य ग्रहण करना होगा जिस जिले में, जिस स्कूल में आपको पदस्थापन मिला है। देख सकते हैं यहाँ पर क्रम संख्या, कर्मचारी आईडी और कार्मिक का नाम यहाँ पर राम प्रसाद गुर्जर, पद सीनियर टीचर है, सब्जेक्ट इंग्लिश से है ये। वर्तमान में पदस्थापन स्थान कहाँ था, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल रोपण जो कि डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में थी। और चयन उपरांत पदस्थापित स्थान इनका महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल लावा टोंक जिले में इनका हो चुका है। ये देख सकते हैं इंग्लिश के जो कार्मिक हैं उनकी प्रतिनियुक्ति आदेश सेकंड ग्रेड अध्यापक उनके लिए हो चुके हैं। देख सकते हैं इस वीडियो के तहत आपको, इसके अलावा ये हिंदी के भी देख सकते हैं, यहाँ से हिंदी के कार्मिकों की लिस्ट भी यहाँ से शुरू है इंग्लिश के अलावा। और इसके अलावा ये मैथमेटिक्स भी दी हुई इसमें, मैथमेटिक्स जी हाँ, गणित सब्जेक्ट के भी हैं। और आगे ले चलते हैं आप, आपको इसके अलावा मैथमेटिक के अलावा ये साइंस सब्जेक्ट के भी हैं, यहाँ से वरिष्ठ अध्यापक साइंस सब्जेक्ट। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं सोशल साइंस, जी हाँ सोशल साइंस के भी हो चुके हैं। इसके अलावा संस्कृत सब्जेक्ट के भी दे रखी है लिस्ट, देख सकते हैं आप संस्कृत और ये सोशल स्टडीज़ के वापस से आ चुके हैं इसमें, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से समझें, टीचर लेवल 2 अगेंस्ट पोस्ट सीनियर टीचर, जी हाँ लेवल सेकंड के जो पद विरुद्ध स्कूल चॉइस फिलिंग भरवाई गई थी पदस्थापन हेतु, वो भी इसमें लिस्ट दी गई है। देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट, ये पद विरुद्ध सोशल स्टडीज की लेवल 2 की है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप एक बार अवश्य पढ़ें। उपरोक्त कार्मिकों के 1 वर्ष की अवधि हेतु पदस्थापित किया जाता है, ध्यान दें ये 1 वर्ष की अवधि के लिए इसमें दिया हुआ है।
कार्मिक सेवाओं के प्रदर्शन के पुनर्विलोकन के बाद निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा बढ़ाए जाने योग्य होगी। जी हाँ, आपका साल भर में जो है आपके जिस पोस्ट पर है आप हैं और वहाँ पर MGGS में आपका शिक्षण कार्य और साल भर का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इसकी अवधि और भी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी एक वर्ष का इसमें दिया हुआ है। अधो हस्ताक्षरकर्ता को किसी कार्मिक को पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के ऐसा सेवाधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिए निमुक्त रिलीव करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के बाद पदस्थापित किए गए समस्त कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन निदेशक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट रीति और प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। ये देख सकते हैं चयन के बाद में पदस्थापित जो भी कार्मिकों के प्रदर्शन का जो वार्षिक पुनर्विलोकन होगा वह है। इसके अलावा चौथे नंबर पॉइंट में उपरोक्त चयन कार्मिकों के चयन के बाद मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति होती है तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित तो समझा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर अगर उच्च पद पर उनकी पदोन्नति होती है तो। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित कार्मिकों को उसके पद अथवा विषय के अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित अथवा स्थानांतरित किया जा सकेगा। संबंधित कार्मिक की वास्तविक वरिष्ठता पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी। ये भी देख सकते हैं। छठे नंबर के पॉइंट में जान लेते हैं उपरोक्त चयनित कार्मिकों की वरिष्ठता इनके मूल पदस्थापित जिला अथवा मंडल में ही संरक्षित की जाएगी। उपरोक्त चयनित कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक परिवीक्षाधीन है तो उनका स्थायीकरण उनके मूल जिले अथवा मंडल में ही जारी किया जाएगा। ये भी देख सकते हैं। आठवें नंबर के पॉइंट में यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच लंबित अथवा विचाराधीन है तो उन्हें कार्य मुक्त अथवा कार्य ग्रहण नहीं करवाया जाए। ये उन कार्मिकों से संबंधित अपडेट है। इसके अलावा 9th पॉइंट में देख सकते हैं राजस्थान स्वेच्छीय ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत कार्मिकों को शहरी क्षेत्र जैसे कि नगर पालिका अथवा नगर निगम हेतु कार्यमुक्त अथवा कार्यग्रहण नहीं करवाया जाए। 10th पॉइंट में अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों का गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु कार्यमुक्त किया जाए। देख सकते हैं TSP का TSB में और non-TSP का non-TSB में यहाँ पर रिलीव किया जाएगा। उपरोक्त कार्मिकों में से यदि किसी कार्मिक पूर्व से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल सहित में साक्षात्कार के माध्यम से चयनित होकर कार्यरत तो ऐसी स्थिति में उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे। ये देख सकते हैं 11वें नंबर का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण और 10वें नंबर का भी। इसके अलावा उपरोक्त कार्मिकों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नलिखित सहमति पत्र प्राप्त किया जाए। मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विषय चयन तो यह तो उससे संबंधित है। तो देख सकते हैं बड़ी अपडेट। जैसा कि साथियों आपको हमारे अभी पिछले वीडियो में अपडेट दी गई थी कि आज रात्रि तक जो है सेकंड ग्रेड अध्यापकों के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी हो सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों या साथियों नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। आप सभी कार्मिकों को जिनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है उन सभी को आशीष एजुकेशन समाचार चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अब साथियों बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड अध्यापक लेवल सेकंड के जो स्कूल चॉइस फिलिंग है वह साथियों कल की MGGS से संबंधित पदस्थापन के बारे में भी जो 7 से 8 पॉइंट है मंत्रिमंडल की बैठक के तहत तो उसमें वह पॉइंट भी शामिल किया गया है MGGS में नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति से पदस्थापन से संबंधित। तो साथियों जैसे ही कोई अपडेट आएगी उस मीटिंग के बाद में यदि मीटिंग होती है तो आपको अवश्य सूचित किया जाएगा। यदि उससे पहले भी कोई अपडेट आती है तो आपको अवश्य इस बारे में बताया जाएगा। तो साथियों अब बहुत बड़ी अपडेट इस समय की यही है। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों शिक्षा विभाग से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम को आप अवश्य फॉलो करें। हर प्रकार की अपडेट हमारे टेलीग्राम पर दी जाती है। तो यही अपडेट थी। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।